एक टीएस ऑफ ओवरी का लेबल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है और जो साइकिल है इसके वेरियस फेस हैं उसको भी डिस्क्राइब करना है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस इज द टी एस ऑफ द ओवरी जिसे हम अभी लेबल करेंगे दीज आर द ब्लड वेसल्स हेयर राइट ये जो है ब्लड वेसल्स हैं एंड दीज आर द प्राइमोडियल फॉसिल ये जो है प्राइमोडियल फॉसिल है मीन यहां से हमारे जो फॉसिल की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है आफ्टर दैट दिस इज टर्सरी फॉसिल हेयर और जो टर्सरी फॉसिल है ये शो करती है एंड्रम को तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है एंट्रम यहाँ पे प्रेजेंट है ये एंट्रम है बेसिकली ओके आफ्टर दैट हमारा आता है ग्राफियन फॉलिकल राइट ये जो है यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल है आफ्टर दैट आप देख पा रहे हैं जो हमारा फॉलिकल है इसकी रप्चरिंग हो चुकी है और यहाँ से जो है हमारा ओवम जो है वो रिलीज हो रहा है एंड दिस इज हेयर द कॉर्पस ल्यूटियम तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे टी एस है का उसको लेबल किया है नाउ हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मैंसुरल साइकिल जिसमें सबसे पहले आता है मैंसुरल फेज मीन्स ये जो है ब्लीडिंग फेज होता है जो कि होता है फ्रॉम द फर्स्ट टू फोर्थ डे राइट right? और इस फेज में अगर जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो जो यूट्रस की लाइनिंग होगी वो डीजनरेट हो जाती है राइट right? और यहाँ पे जो मैंसुरेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी मैं साइकिल जो है ये कंसिस्ट होता है विद सेक्रेशंस फ्रॉम द एंडोमेट्रियल अदर द सेल डेवरेज ब्लड एंड द अनफर्टिलाइज एग ड्यूरिंग फ्लो थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव मिलीलीटर ऑफ द ब्लड इज लॉस्ट आफ्टर दैट हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द प्रोलिफरेटिव फेज जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम वॉलिक्युलर फेज भी कहा जाता है राइट right? और इस फेज में जो हमारे प्राइमोडियल फॉलिकल है हमने अभी डिस्कस किया ओवरी के टीएस में इसमें क्या होगा जो प्राइमोडियल फॉलिकल हैं, ये हमारे डेवलप होते हैं इनटू टू द ग्राफियन फॉलिकल राइट और जो एस्ट्रोजन है इसकी सिक्रेशन जो है वो स्टूमुलेट होती है फ्रॉम द एंडोमेट्रियल प्लान और यहाँ पे जो है रिपेयर होगी एंडोमेट्रियम की राइट right? एंड उसकी जो थिकनेस है वो होती है अबाउट थ्री एम एम टू फाइव एम एम ओके नाउ हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी फेस ओव्यूलेट्री फेज जो है वो फोर्टींथ डे पे होता है और इस प्रोसेस में यहाँ पे रपच्चरिंग होती है हमारे ग्राफियन फॉलिकल की राइट right? अब जब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर करेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिलीज होगा ओवम राइट right? ओवम जो है अब जाता है इन द एबडोमिनल कैविटी और ये जो है होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन उसके बाद यहाँ पे ल्यूटियल फेज आता है जो होता है फिफ्टीन टू डे तक आफ्टर ऑविलेशन जो रप्चर फॉलिकल है ये हमारा डेवलप होता है यहाँ पे हमने डिस्कस किया है ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग हो चुकी है और ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है ये यह यहाँ पे डेवलप होता है इन टू कॉर्पस ल्यूटियम राइट कॉर्पस ल्यूटियम में जो है ये डेवलप हो जाएगा और ये एक्ट करेगा एज टेम्पररी एंडोक्राइन क्लैंड और यहाँ पे ये जो है सिक्रीट करता है मेजर हार्मोन को जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वो है प्रोजेस्टिर right? जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है सो इन दिस वीडियो वी आर ब्रीफली डिस्कसिंग अबाउट द फेजेस ऑफ लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट का भरोसा आज डाउनलोड करे डाउट ने टाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर